प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC की तरफ से आई नई अपडेट को लेकर। तो यहां पे कई सारे अपडेट्स दिए गए हैं, सारी अपडेट्स वन बाय वन आप लोगों के साथ जो है यहां पे शेयर किया जाएगा। बस चैनल के साथ जो है बने रहिएगा ताकि आपको सारी अपडेट जो है पता चल सके। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर अगर बात किया जाए तो स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे 27 सितंबर का अपडेट दिया गया है। टोटल यहाँ पे अगर अपडेट बात किया जाए तो टोटल 5 अपडेट यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो है पहला जो अपडेट है वो दिया गया है रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, है ना। उसके बाद रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और आपका रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 3 निकाला गया था और एक एडवर्टीजमेंट नंबर 1 निकाला था। दो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का वैकेंसी निकाली गई थी BPSC की तरफ से 2019 में, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है नोटिस दिया गया है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए दिया गया है, और जो 32वां बिहार जुडिशियल सर्विस का प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, है ना, उसका रिजल्ट को लेकर यहाँ पर जो है अपडेट दिया गया है। तो कब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है, चलिए वो अपडेट यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 240 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है बुलाया गया है, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कब होगा इसके बारे में अभी यहाँ पे अपडेट जो है नहीं दिया गया है, ओके। वही अगर सभी का देखें तो सभी का मैं मतलब यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पर डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल 10 लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। परीक्षा केंद्र में आयोजित सहायक अभियंता की प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल 10 उम्मीदवार को संशोधित मतलब रिवाइज्ड आपका मतलब फिर से जो है यहाँ पे दिया गया है, एक बड़ी अपडेट यहाँ पे दिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है डायरेक्टली आपको मेल या मैसेज कर दिया जाए, है ना। तो जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।